दोस्तों आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है। और इस वक्त देश में जो कोविड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरा सभी से निवेदन है आप सब मास्क का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। ताजनगरी आगरा के थाना सदर क्षेत्र में कुरियर कंपनी से 200 किलो चांदी लूटने के मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि आज से लगभग 8 दिन पूर्व कुरियर कंपनी में 200 किलो चांदी और 1,00,000 रुपए की नकदी लेकर कुरियर कंपनी के कर्मचारी जा रहे थे, जिसमें गाड़ी सवारों ने आगे गाड़ी लगाकर और हथियारों के दम पर चांदी और 1,00,000 रुपए को लूट लिया गया था। लूट की सूचना पाते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई और मौके पर SSP सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। 5 टीमें खुलासे के लिए लगाई गईं, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है और चांदी और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस का और किस प्रकार पुलिस ने चांदी लूट की अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई। आज से करीब 9 दिन पहले 19 तारीख को थाना सदर क्षेत्र में जनपद आगरा में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें करीब 11 बजे दिन में कुरियर कंपनी जो करीब 200 किलो चांदी लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे उनके कर्मचारी, उनको कुछ बदमाशों ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर उसमें से चांदी को और बाकी कुछ चीजों को लूटा। तत्काल SSP आगरा के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें SPCT, ASP और बाकी अधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा लगातार पिछले 8 दिन में कड़ी मेहनत कर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और CCTV इत्यादि के आधार पर इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस गैंग की जानकारी और इनको पकड़ने के लिए इन्होंने 4 स्टेट्स में इनका जानकारी प्राप्त करते हुए 4 स्टेट्स तक पहुंचे, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। कल रात को हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर 5 अपराधियों को जिनके पीछे लगे हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से इस घटना में लूटी गई करीब 137 किलो चांदी बरामद हुई है। ये 5 अपराधी, इन्होंने पूरा घटनाक्रम पूरा डिटेल में बताया है, ये अपराधी दिल्ली में भी एक बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे थे, 5 करोड़ रुपए कैश के लूटने की योजना बना रहे थे, वो घटना भी विफल हुई है। पूरी पुलिस टीम को इस जबरदस्त काम करने के लिए 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड मेरी तरफ से घोषित किया जाता है। दिल्ली के हैं, दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पे कौन इसमें इनका मास्टरमाइंड है, क्यों दिल्ली से है, क्या पूरा प्लान था इनका? इसमें एक व्यक्ति, अगर आपने देखा होगा तो एक व्यक्ति जो है इसमें रामू और राम प्रकाश है, जो कि एक डेंटिस्ट की दुकान पे काम करता था और ये डेंटिस्ट की दुकान जहां पर घटना स्थल है, जहां पर एक गोडाउन है कुरियर कंपनी का, उसके बिल्कुल पास में है। उसने ही इस घटना के बारे में जानकारी अपने साथियों को और साथियों के माध्यम से बाकी गैंग के मेंबर्स को दी। इन गैंग के मेंबर्स ने यहां पर आकर 3-4 दिन रेकी की और उसके बाद इस घटना को पारित किया। बरामदगी सर क्या इस गिरोह के पास से हुई है? इसके पास से करीब 137 किलो चांदी, करीब 5 लीटर सिल्वर एडिटिव लिक्विड जो प्लास्टिक की कट्टी में था, प्लस मोबाइल, वेपन्स और वो कार होंडा अमेज जो घटना में उपयुक्त थी वो बरामद हुई।